ये हुआ कि एक वसीम खान नाम का पेशेंट है जो यहाँ पर आया हुआ था। इसका करीब 7-8 महीने पहले कहीं बाहर ऑपरेशन हुआ है ना। अब इसके वहाँ पर से पस डिस्चार्ज हो रहा है कहीं से, ऑर्थोपेडिक्स का ऑपरेशन जो हुआ है। तो ये यहाँ आया और इसने जो है, मेरे को खबर मिली, DM ऑफिस से फ़ोन आया कि वसीम खान है, उसको कोई देख नहीं रहा है। जो इसके साथ में एक आदिल नाम का कोई लड़का आया हुआ था, मेरे पास आ गया वो सीधे। मैंने उससे कहा कि भाई तुम वहाँ पर डॉक्टर हरबीर ऑपरेशन कर रहे हैं, 4-4 ऑपरेशन है, तो आपके मरीज को सबसे पहले नहीं वहाँ रख सकते क्योंकि पस डिस्चार्ज हो रहा है, दूसरे मरीज इन्फेक्टेड हो जाएंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, आपको दिखाना है तो आप डॉक्टर सुनील तेवतिया हैं ऑर्थोपेडिक्स वाले, उनको दिखा लें। और मैंने उनको फ़ोन भी कर दिया तो ये यहाँ से चला गया। मैंने कहा आप मरीज को ले आओ और यहीं 58 नंबर कमरे में डॉक्टर चरण सिंह से वहाँ दिखा लो इसको। ये अपने मरीज को नीचे, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो ऑफिस में बैठी थी, नीचे ये लड़के आ गया डॉक्टर रोहित अग्रवाल जो ऑर्थोपेडिक्स वाले, वहाँ कह दिया कि मैं तो इनको डॉक्टर ही नहीं मानता हूँ, ये कह के आ गया। सब लोग भड़क गए उसमें, है ना। नीचे भी इस टाइप की बदतमीजी पहले वहाँ करके आया, फिर ये शायद ऑफिस में आया है डॉक्टर तेवतिया के पास। यहाँ डॉक्टर तेवतिया उसको देखने लगे, इसके मरीज को, इसने वीडियो बनानी शुरू कर दी। उसको मना किया कि वीडियो मत बनाओ, बोला मैं तो बनाऊंगा, मेरा अधिकार है वीडियो बनाने का, है ना। तो इस तरह से, तो फिर नीचे से सारे लोग आ गए क्योंकि ये नीचे बदतमीजी करके आया था, तो सारे डॉक्टर्स ही उठ के आप ऊपर आ गए और भी हमारे कार्यकर्ता सब, ये कर्मचारी आ गए ऊपर और यहाँ आके ये फिर बहुत बदतमीजी करने लग गया। हमने फिर पुलिस को बुलाया और इसके अगेंस्ट जो है तहरीर लिख के दी है, पुलिस को दे दी है। अब पुलिस इसको ले गई है ना। तो इसे सारे काम में, सरकारी काम में बाधा डाल रहा है, डॉक्टरों से बदतमीजी कर रहा है, तो ऐसे करके कैसे अस्पताल का काम चल सकता है ना। तो अब जो भी है पुलिस से उस पर कार्रवाई करेगी।